दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 मार्च गुरुवार 2022 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 24 मार्च का ये दिन कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे, कौन कौन से शुभ योग बनेंगे और इनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से पड़ेगा, कहां कहां पर आपको लाभ होंगे, धन लाभ होंगे, कहां कहां पर आपको नुकसान होगा, सावधानियां बरतनी हैं, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। आज का ये दिन तुला राशि वालों आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आया है, तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। कुछ सावधानियाँ भी हैं जिनको बरतना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। 24 मार्च 2022 को कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। कृष्ण नाम का ज्येष्ठ नाम का नक्षत्र है, सिद्धि नाम का योग रहेगा, गुरुवार का ये दिन है। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर करेंगे, सूर्य मीन राशि में रहेंगे। आज का राहु काल का समय रहेगा 2:05 से लेकर 2:36 तक का समय आपके लिए अशुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम ना करें, कोई भी नया काम ना करें, आज का अभिजीत मुहूर्त होगा। सुबह 9:31 से लेकर 11:02 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई भी नया काम कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। आज आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आज आपका शुभ अंक रहेगा 4। तो ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल, इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे आज आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तुला राशि वालों, हम यहाँ तुला राशि की ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है, तो कमेंट बॉक्स में शनिदेव का आशीर्वाद लेने के लिए जय शनिदेव जरूर लिखें। मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 24 मार्च के तुला राशि फल के बारे में। आज देखिए चंद्रमा की स्थिति आपके लग्न में होगी, आपकी राशि में विराजमान यहाँ पर चंद्रमा है। चंद्रमा की दृष्टि से आज का ये दिन काफ़ी उत्तम दिखाई दे रहा है आपके लिए। इस समय काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं, मानसिक रूप से आप खुद को काफ़ी खुश महसूस करेंगे। आज आप बहुत खुश रहेंगे, आपका जो माइंड होगा बड़ा शांत होगा, सभी कामों को आप शांत रहकर करेंगे। इसके अलावा विदेशी संपर्कों से भी आज आपके लिए मुनाफा होने के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं, साथ ही आज आपको अच्छे परिणाम मिलने के आसार नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति होगी, पैसा आपके हाथ में आएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, या फिर किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई लाभ की उम्मीदें आपके लिए बन सकती हैं, तो ये आपके लिए समय अच्छा होगा। इसके अलावा देखिए आज आपके लिए यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, यानी यात्रा पर भी आप इस समय कहीं जा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन बड़ा शानदार रहेगा। अगर आप विवाहित जीवन में हैं तो अब आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, सुकून मिलेगा, सुख साधनों में आपके वृद्धि होगी। इससे आगे आने वाला समय भी वैवाहिक जीवन के लिए तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा, सुख प्राप्त होगा। और देखिए आपने जो परेशानियां पिछले दिनों में महसूस की हैं उनमें अब आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी, आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझेंगे। ये दिन आपके रुके हुए कामों को, अटके हुए कामों को पूरा कराएगा, यानी सुखद भविष्य की तरफ आप अग्रसर होंगे। बाकी आर्थिक स्थिति के मामले में बात करें तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी दिन काफ़ी अनुकूल रहेगा, इस समय आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। और देखिए साथ में जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, आप इस दिन का भरपूर आनंद लेंगे, साथ ही अपने विचारों को साझा करेंगे, भावनात्मक रूप से आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे की बातों को आप महत्व देंगे, काफ़ी अच्छा दिन है। अगर बात करें इस राशि के व्यापारियों के लिए आज का ये जो दिन रहेगा ठीक ठाक रहेगा। हालांकि कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को आप बड़ी आसानी से पार कर पाएंगे, इतनी बड़ी गंभीर चुनौतियां नहीं होंगी, छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों के लिए भी ये जो समय होगा काफ़ी सुकून भरा होगा, विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मन मस्तिष्क की एकाग्रता इस समय आपके लिए बड़ा काम आएगी और आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तब आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं। बाकी धार्मिक कार्यक्रम में भी जाने के आज आपके लिए योग बन रहे हैं, तो वहां जाकर आपको काफ़ी शांति का अनुभव होगा, सुकून मिलेगा, नए लोगों से मिलना जुलना होगा, ये भी आपके लिए अच्छा है। और ये दिन ऐसा है यहाँ पर आप अपने व्यवहार में कुछ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना चाहेंगे, ये आपके लिए अच्छा भी होगा, जब आपकी मुश्किलों को ये दिन आसान बनाएगा। इसके आपके बात करने की जो स्थिति है
आपकी वाणी में बड़ा मिठास होगी, आपकी वाणी बड़ा सौम्य होगी, तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हालांकि आज आपके लिए खर्चों के योग भी बन रहे हैं, खर्चा आप ज़रूर होगा, लाजमी है, लेकिन उन पर अच्छे से कंट्रोल आप कर पाएंगे। साथ ही मित्रों का साथ इस समय आपको प्राप्त होगा, हर चीज़ में मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। यदि आप किसी परेशानी में हैं तो दोस्तों इस समय आपके मित्र भी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अपने मित्र के साथ आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, या आप अपने पार्टनर जीवन साथी के साथ कहीं घूमना फिरना मौज मस्ती इन सभी चीज़ों में अपना दिनचर्या यहाँ पर आपका समय बीतेगा। कहीं आप किसी पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। मित्रों का साथ इस समय आपके लिए बना रहेगा, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। यात्रा भी होगी, यात्राओं से आपके कार्य बनेंगे, आपके लिए यात्राएं शुभ रहेंगी। इसके अलावा अगर कोई पिछले समय से काम आपका रुका था, बिगड़ा था, तो वो अचानक से यहाँ पर बन सकता है, जिसको देखकर आपको बेहद खुशी मिलेगी। हर तरह से समय आपके लिए अच्छा है। समय कार्यस्थल पर भी आपका प्रभाव बढ़ेगा और इस राशि के जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनको भी इस समय उच्च पद पर पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, यानी काफ़ी संभावनाएँ हैं। आज आपको अपनी नौकरी में परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा या फिर तनख्वाह में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही व्यापारियों को भी अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए नए नए साधन प्राप्त होंगे, कुछ नया इस समय आप कर सकते हैं। और जो हायर एजुकेशन वाले छात्र हैं उनको भी इस समय प्रयास अधिक करने होंगे अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे परिणाम पाने के लिए। इस समय बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं आपके लिए, तो प्रयास करते रहें। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको उतना ही अधिक देखने को मिलेगा। एग्जाम टाइम चल रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें, फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें, नष्ट ना करें। आज आप अपनी संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। कुछ अच्छे योग भी आपके लिए बन रहे हैं, आपको अचानक से धन प्राप्ति की खुशियां देकर जाएंगे। यहां पर आपको उस जगह से भी पैसा मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, अचानक से जिसको कहते हैं कि धन आना, ऐसा आपके साथ हो सकता है। ये दिन आपके लिए हर तरह से खुशियां देकर जाएगा। अगर कहीं पैसा आपका फंसा था, रुका था, तो वो भी आपको वापस मिल सकता है। ये दिन काफ़ी अच्छा आपके लिए बना हुआ है। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि आप अपने परिवार में किसी से भी कोई ऐसे प्रॉमिस ना करें, वादे ना करें जिसको आप पूरा ना कर पाएं। इस बात का ध्यान रखें, वरना इससे एक दूसरे के दिलों को आहत हो सकती है। परिवार में किसी भी सदस्य से या अपने करीबी से कोई वादा ऐसा ना करें जिसे आप निभा ना सकें, वरना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। बाकी आज आपको अपने किसी नए कार्य को शुरू करने की स्वीकृति मिल सकती है, यानी अगर आप काफ़ी दिनों से कुछ नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको पैसों की समस्या थी, तो इस समय आप अपने परिवार में ये बात करेंगे, जिसकी वजह से कोई पैसे की आर्थिक मदद इस समय आपको दे सकता है या नए काम की स्वीकृति आपको मिल सकती है। इसका भी लाभ आपको उठाना है, क्योंकि नई शुरुआत के लिए ये दिन बड़ा शुभ रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। जो भी आप नया काम शुरू करेंगे वो आपका पूरा होगा और उसमें आपको आने वाले समय में भी सफलता देखने को मिलेगी। आज आप मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, जिसके बल पर आप अपने सभी कामों को बिना किसी चिंता के कर पाएंगे। और जो इस समय आत्मनिरीक्षण करेंगे इसके लिए भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। दोस्तों, कुछ लोग आज का ये दिन आत्मनिरीक्षण करने के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर अपनी उपलब्धियों पर भी ध्यान देंगे और अपनी गलतियों पर भी ध्यान देंगे और उनसे कुछ सीखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको क्या करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। यानी इस समय आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे होंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। यहाँ आपकी किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात हो सकती है, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही हैं, जिससे मिलकर आप बातचीत करेंगे, अच्छा समय होगा। इस समय देखिए, इस समय को आप बिताते हुए नज़र आएंगे। यदि बात करें आपके भाग्य की, किस्मत भी आपका साथ देती हुई दिखाई देगी, क्योंकि चंद्रमा आज आपके लग्न में बैठकर आपके व्यक्तित्व को मजबूत करने का काम करेंगे, आपके धन को बढ़ाने का काम करेंगे। और देखिए, भविष्य इस समय कुल मिलाकर किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा। करियर में नए नए मौके आपको मिलेंगे, पुराने निवेश से भी इस समय आपके लिए फ़ायदे के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आसपास के लोगों के साथ आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पर कोई चर्चा हो सकती है और हो सकता है ये चर्चा आपके कामकाज से संबंधित हो। आप बस ध्यान रखें, हर एक चीज़ के लिए समय निकालें, क्योंकि समय अगर आप निकालेंगे जो समय घर परिवार के लिए है, परिवार को दें, आपके कामों की तरफ हो सके तो अपने कामों की तरफ दें। देखिए, इस समय आपकी घर परिवार में तारीफ होगी, जिसको सुनकर आप काफ़ी प्रसन्न होंगे और ये दिन आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित होगा। अधिकारियों से भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको काफ़ी खुशी होगी। सेहत की बात करें तो सेहत के लिहाज से भी आज का दिन अच्छा रहेगा। हल्का फुल्का यहाँ पर मौसमी बीमारियाँ आपको परेशान कर सकती हैं,
जिसके बारे में आपको सावधान रहना है। चलिए बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। मित्रों, भगवान विष्णु जी के मंदिर जाकर उनको पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।